माई ब्यूटीज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, अ वार्म वेलकम टू यू गाइज एज़ वेल। एंड मैंने कर्ल्स किए हैं और इसके पहले वाला वीडियो है अपना हेयर स्ट्रेट का, सो अगर आपने उसे नहीं देखा तो डू चेक इट आउट, सो दैट आपके लिए ईजी रहे स्ट्रेट करने के बाद हेयर कर्ल्स करना। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन मी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो पूरा देखना एंड डू लाइक शेयर एज वेल एज कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मैंने बहुत ही इजी तरीके से अपने ऊपर कर्ल्स किए हैं एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम मैं कर्ल्स एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने हेयर में, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैंने बहुत ही इजी तरीके से सब कुछ मेंशन किया है, तो डू चेक आउट द फुल वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैंने अपने हेयर स्ट्रेट कर लिए थे ऑलरेडी, तो अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एंड आप देख ही सक रहे हैं मेरे हेयर में कोई टैंगल्स नहीं है, एंड मेक श्योर दैट यू ऑल्सो डोंट हैव एनी टैंगल्स। तो हेयर कर्ल करने के पहले हेयर स्ट्रेट कर लेने से आपका कर्ल्स बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। सो मैं यहाँ पर फिलिप्स का कर्लर यूज़ कर रही हूँ। सो एज यू कैन सी, मैं नीचे के पोर्शन से धीरे धीरे ट्विस्ट करते हुए अपर डायरेक्शन में जा रही हूँ। एंड देन आफ्टर 15 to 20 seconds मैं अपना कर्ल्स होल्ड दूंगी। एज यू कैन सी, मैं वहाँ पे होल्ड करके इसलिए हूँ क्योंकि हेयर लूज़ हो रहा था एंड से, इसलिए मैंने होल्ड करके रखा था। एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स मैं उसको खोल के अपने हाथों में ले लूँगी, बिकॉज वैसे करने से आपका कर्ल्स पर अच्छी तरह से प्लेस में रहता है। एज यू कैन सी, आप देख सक रहे हैं वो गर्म था इसलिए मैंने अपने हाथों में वैसे करके प्रेस कर लिया था कुछ सेकेंड्स के लिए, 6 to 7 seconds के लिए मैं प्रेस करते हुए खोल दिया एंड वो कर्ल्स प्लेस में था। मैं सेक्शन बाई सेक्शन अपना हेयर कर्ल कर लूँगी एंड आफ्टर 15 to 20 seconds मैं उसको रिलीज़ करते हुए 5 to 7 seconds मैं अपने पाम्स में लेते हुए उसको रिलीज़ कर दूँगी ताकि वो हीट से अपना हेयर प्लेस में रहे। एंड ऐसे ही मैं अपना फुल हेयर कर्ल कर लूँगी एंड मेक श्योर दैट यू डोंट हैव एनी टैंगल्स। मैं फिर से दूसरा सेक्शन लेते हुए अपने हेयर को कर्ल कर लूँगी सेम उसी प्रोसेस से, नीचे की डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हुए मैं अपर डायरेक्शन में जाऊँगी एंड दैट इज़ द वे आई विल बी कर्लिंग माय फुल हेयर। सो आप देख ही सक रहे हैं मैं कैसे हेयर कर्ल कर रही हूँ। एंड सेम प्रोसेस से मैं उसको कुछ देर के लिए 15 to 20 seconds के लिए रखूँगी एंड आफ्टर दैट आई विल बी रिलीजिंग दैट कर्ल्स। मैं इसी तरीके से अपना पूरा हेयर कर्ल कर लूँगी एंड सेम ही प्रोसेस है, सेम ही स्टेप है। एज यू कैन सी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे फील कर रहे हैं मेरे कर्ल्स, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट एट होम। एंड आपको सैलून जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने कर्ल्स किया है। बी केयरफुल अपने फ्रंट कर्ल्स करने में बिकॉज बर्न हो सकते हैं, तो बहुत केयरफुली आप अपने कर्ल्स करना। एंड दिस इज़ द वे आई एम कर्लिंग माई फुल हेयर। अगर एक्सेस निकल जाए तो वहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं एंड लीव इट फॉर 15 to 20 seconds। सो मैं अपना पूरा हेयर ऐसे ही कर्ल कर ले रही हूँ एंड 15 to 20 seconds तक छोड़ के मैं 5 to 7 seconds अपने हाथ में पाम्स में दे के उसको रिलीज़ कर दे रही हूँ। एंड लुक, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो अट्रैक्टिव एंड सो सो गॉर्जियस। मैं फिंगर्स इसलिए रब कर रही हूँ अपने कर्ल्स में ताकि कर्ल्स खुल जाए एंड देखने में अच्छे लगे। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ऐसे कर्ल्स, सो डू ट्राई इट एंड लेट मी नो द रिजल्ट।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. ऐसे ही मेरे कर्ल्स लग रहे हैं, बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही गॉर्जियस लग रहे हैं. यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. आई विल बी सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.